स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति का अपना सब्जेक्ट कर रहे हैं और इसमें हमने पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अभी हम जो आज करने जा रहे हैं वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम एक तरह से शुरुआत करने जा रहे हैं आज धार्मिक स्थापत्य कला की। और धार्मिक स्थापत्य कला में हम सबसे पहले जानेंगे आज स्तूपों के विषय में। अगर हम धार्मिक स्थापत्य कला की जैसे बात करते हैं तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक तो होता है सामग्री के आधार पर, और सामग्री के आधार पर इनको हम कहते हैं संरचनात्मक और शैलकृत, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। ठीक है, दो आधारों पर वर्गीकृत हैं, एक है संरचनात्मक और दूसरा है शैलकृत। अब प्रश्न ये उठता है कि ये संरचनात्मक क्या है और शैलकृत क्या है। तो आप जैसे मान लीजिए आप प्रयागराज में निवास कर रहे हैं, ठीक है, वाराणसी में कहीं पे भी निवास कर रहे हैं, मिर्जापुर में निवास कर रहे हैं, लखनऊ में निवास कर रहे हैं, तो क्या आपको यहाँ पर बहुत पहाड़ियां देखने को मिलेंगी? क्या जो पहाड़ी क्षेत्र हैं कुछ तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी मिल जाते हैं, लेकिन जनरली क्या है, यहाँ पर समतल भूमि देखने को मिलती है। ठीक है, तो यदि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ समतल भूमि हो और दूसरे स्थानों से सामग्री को ले आकर, मटेरियल को ले आकर जब वहां पे कोई निर्माण कर दिया जाए तो वो कहा जाता है संरचनात्मक। जबकि शैलकृत की अगर हम बात करते हैं तो जहां पर बड़ी बड़ी पहाड़ पठार होते हैं, पहाड़ होते हैं, पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, वहां पर उनकी चट्टानों को काटकर, शैलों को काटकर स्थापत्य का निर्माण किया जाता है। तो ये जो स्थापत्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शैलकृत। और पहले क्या थे? संरचनात्मक। तो संरचनात्मक में क्या होता है? संरचनात्मक में किसी दूसरे स्थान से हम लोग मटेरियल वगैरह को ले आते हैं और उसके बाद में हम निर्माण करते हैं स्थापत्य का। ठीक है, लेकिन शैलकृत में हम पहाड़ियों की चट्टानों इत्यादि को काट करके वहां पर हम निर्माण करते हैं स्थापत्य का। ठीक है, तो एक तो ये इनका वर्गीकरण हो जाता है प्राचीन, अगर हम कहें सामग्री के आधार पर। दूसरा, इनका धर्म के आधार पर ही अगर केवल वर्गीकरण करते हैं तो एक हमारा आता है बौद्ध स्थापत्य कला, दूसरा हमारा जैन स्थापत्य कला, और तीसरा हिंदू या ब्राह्मण स्थापत्य कला। और इन सभी के बारे में हमको विस्तार में चर्चा करनी होगी, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या शुरू करते हैं? हम सबसे पहले बौद्ध स्थापत्य के विषय में शुरू करेंगे। ठीक है, बौद्ध स्थापत्य के विषय में हम शुरू करेंगे। और बौद्ध स्थापत्य में अगर हम बात करें, जैसे हमने क्या कहा, संरचनात्मक और शैलकृत, तो शैलकृत के कैटेगरी में आ जाते हैं चैत्य और विहार। चैत्य क्या होते हैं, विहार क्या होते हैं, इनको हमको थोड़ी देर बाद समझना होगा। मोस्ट प्रोबेबली आज शायद ना समझें, नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर होगा, क्लास होगा, उसमें हम इसको समझें। लेकिन स्तूप क्या है? ये एक प्रकार के संरचनात्मक हैं। संरचनात्मक हैं तो अर्थात ये कहाँ पर बनाए जाएंगे? समतल भूमि पर बनाए जाएंगे। और चट्टानों को क्या काटा जाएगा इसमें? तो नहीं, ये दूसरे स्थानों से मटेरियल इत्यादि ले आकर इनका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन स्तूपों के बारे में जानते हैं। हमको क्या क्या जानना होगा? सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन ही देखना होगा, आखिर स्तूप क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर स्तूप्स, और या कहें व्हाट इज स्तूप, टाइप ऑफ स्तूपस, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड सिग्निफिकेंस, या फिर इनका कहें योगदान क्या है। इन सभी पांचों पॉइंट्स को हमको इसमें जानना होगा। क्या क्या जानना है? स्तूप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, इनका विकास किस तरीके से हुआ है समय के साथ में, और इनका समाज में क्या योगदान रहा है, इनको हमको जानना होगा। और सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे किससे? परिचय से। किससे शुरुआत करते हैं? परिचय से। तो परिचय में पहली चीज तो क्या है कि संरचनात्मक है, तो मतलब कहां पर बनाई गई है? समतल भूमि पर बनाई गई है। राइटअप पहले से इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर हम राइटअप भी साथ में लिखेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा,
और ऑनलाइन में उतना ज़्यादा ये फैसिलिटी होती नहीं है कि आमने सामने संवाद कर, इसलिए टाइम को बचाने के लिए और एक इंट्रैक्शन बनाए रखने के लिए ऐसा जरूरी है कि पहले से एक तरह से राइटअप तैयार रखा जाए। ठीक है, तो एक तो ये समतल भूमि पर बनाए जाते हैं, और इनका प्रयोग क्या होता है, ये एक उपासना गृह या पूजा गृह की तरह से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मस्जिदों में जाते हैं, वैसे ही क्या है, ये स्तूप है, और ये स्तूप भी एक उपासना गृह है या फिर कहें तो पूजा गृह है। तो अब से अगर आपसे कोई पूछे स्तूप क्या होते हैं, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे, ये संरचनात्मक प्रकार के स्थापत्य हैं। किस प्रकार के, संरचनात्मक प्रकार के, जो समतल भूमि पर बनाए जाते हैं, और जिनका प्रयोग किस लिए होता है, जिनका प्रयोग उपासना और पूजा गृह के कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि स्तूप क्या होते हैं। दूसरा प्रश्न, कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः ये चार प्रकार के होते हैं। अब ये चार प्रकार कौन से हैं, और चार प्रकार को जानने से पहले थोड़ा सा हम स्तूप देख लेते हैं कि कैसा दिखता है ये स्तूप। ठीक है, स्तूप किस प्रकार का दिखता है, तो आपको हम एक इमेज दिखाते हैं कि स्तूप किस तरीके से सुंदर सा दिखाई देता है। देखिए, ये ऊपर इस तरह से छतरी लगी होती है, ये एक चौड़ा पोर्शन होता है। ठीक है, ये स्फेरिकल जैसे उल्टा कटोरा रखा हुआ हो उस तरह का पोर्शन देखने को मिलता है। चारों तरफ से इस तरह से प्रदक्षिणा करने के लिए बना होता है, बाहर में इस तरह से बाउंड्री होती है, तो इस तरीके के इसका निर्माण होता है। ठीक है, यही एक शेप होता है किसका, स्तूप का। लेकिन इस स्तूप की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही खास बात है, ये ऊपर का जो पोर्शन बना हुआ है इसकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, इसकी अपनी एक अलग सिग्निफिकेंस है, जो कुछ शो करता है, कुछ बताता है। क्या बताता है, थोड़ी देर में आप जान जाएंगे। ये कुछ और भी बातें बताता है, इन दीवारों की बात करें तो कुछ की, इस द्वार की बात करते हैं तो कुछ और है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। हर एक चीज़ का एक प्रॉपर सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, और इस तरीके के स्तूप हमको देखने को प्राप्त होते हैं। स्तूप इस प्रकार की इस शेप में बनाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि अभी तो निर्माण आप नहीं देखते हैं, पहले ही जो निर्माण हुए हैं वही हुए हैं। ठीक है, हाल फिलहाल में तो आप नहीं पाएंगे, लेकिन आप पहले कैसे निर्माण देख सकते हैं। तो अब हम अपने पुराने मुद्दे पे आते हैं, कौन सा मुद्दा, कि स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। तो स्तूप मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। ठीक है, चार प्रकार। अब अगला प्रश्न यहीं पर उठ जाता है कि ये चार कौन कौन से प्रकार हैं, चार कौन कौन से प्रकार हैं, आइए जानते हैं। देखिए, स्तूप जो बनाए जाते हैं, जो भगवान बुद्ध हो गए या महान बौद्ध भिक्षु हो गए, ठीक है, जब उन अपने देह का वो त्याग कर देते हैं, तो उनके शरीर के अवशेषों से, उनके शरीर के अवशेषों से बनाए जाते हैं। और इस प्रकार के जो स्तूप बनाए जाते हैं, जो भगवान बुद्ध के या महान बौद्ध भिक्षु जो भी हुए हैं, उनके शरीर के अवशेषों से बनाए गए हैं, उनको हम नाम दे देते हैं शारीरिक प्रकार का स्तूप। किस प्रकार का स्तूप, शारीरिक प्रकार का स्तूप। ठीक है, पहला हो गया शारीरिक प्रकार, इसमें कौन से, कि उनके अवशेषों से। दूसरा हमारा है परिभौमिक प्रकार, क्या है, परिभौमिक प्रकार। अब परिभौमिक प्रकार क्या होता है, बहुत है आसान चीज, भगवान बुद्ध हो गए या फिर कहें जो भी महान बौद्ध भिक्षु हो गए, उन्होंने अपने जीवन काल में जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग किया है, उन वस्तुओं को रख करके स्तूप का अगर निर्माण करते हैं, तो उसको कहा जाता है परिभौमिक प्रकार का स्तूप। ठीक है, परिभौमिक प्रकार का स्तूप। तीसरा है जब उद्देशिका प्रकार का बनाते हैं, इसमें क्या, जैसे भगवान बुद्ध थे, अपने जीवन काल में चार स्थानों पर गए, या कोई महान बौद्ध भिक्षु है, उनसे संबंधित कुछ मुख्य स्थान है, पवित्र स्थान है, जो भी कह लीजिए आप, तो उनसे संबंधित स्थलों पर जब हम स्तूप का निर्माण करा देते हैं, तो वो होता है उद्देशिक प्रकार का स्तूप। किस प्रकार का हो जाता है,
उद्देश्य प्रकार का। फोर्थ हमारा लास्ट जो आता है वो है संकल्पित प्रकार का, जिसमें श्रद्धालुओं और अनुयायियों के द्वारा कहीं पर भी जो उनको सही लगता है वो स्तूप बना देंगे। तो इस प्रकार से अगर स्तूप से आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं तो आप अब जवाब आसानी से दे सकते हैं। पहला कौन सा? शारीरिक प्रकार का। शारीरिक में अगर आपसे कोई कहता है कि शारीरिक मतलब क्या हुआ, तो भगवान बुद्ध या महान बौद्ध भिक्षु जिनके शरीर के अवशेषों को रख करके जब कोई स्तूप बनाया जाता है तो उसको शारीरिक प्रकार का कहते हैं। दूसरा कौन सा? परिभौमिक। परिभौमिक में हम कौन कौन सा कहते हैं? जब उनके द्वारा इस्तेमाल की हुई, उनके किनके? महान बौद्ध भिक्षु या फिर भगवान बुद्ध के द्वारा इस्तेमाल की हुई वस्तुओं को रख करके जब हम स्तूप का निर्माण करते हैं तो उसको परिभौमिक प्रकार का स्तूप कहते हैं। तीसरा कौन सा हुआ हमारा? उद्देशिक प्रकार का। उद्देशिक प्रकार का, उद्देशिक क्या? उनसे संबंधित प्रमुख स्थलों पर जब हम निर्माण कर देते हैं तब क्या हो जाता है? वो उद्देशिक प्रकार का। और जब अनुयायी इत्यादि बनाते हैं अपनी पसंद के अनुसार तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? उसको हम संकल्पित नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने संकल्प लिया कि मैं स्तूप का निर्माण कराऊंगा तो उनको जहां पर भी सही लगता है अपनी इच्छा अनुसार वो स्तूप का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से चार प्रकार के स्तूप होते हैं। और स्तूप हैं क्या? वो तो पूजा गृह या उपासना गृह हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा हम स्तूपों के बारे में इनकी संरचना को देखते हैं। किसको देखते हैं? संरचना को, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा, क्या होते हैं और प्रकार क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब इसको देखा था तब हमने क्या देखा, एक स्फेरिकल शेप है, एक ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये ऊपर में छतरी बनी हुई है, छतरी किस पे है? डंडे पे है। तो उसी को हम आइए देखते हैं किससे क्या होता है, किसको क्या कहते हैं। तो एक तो हमारा ये पोर्शन जो ऊपर का हो गया क्या है, ये है हमारी छतरी। रेक्टेंगुलर पोर्शन जो हमारा है उसको हम क्या बोलते हैं? हर्मिका बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हर्मिका। और ये उल्टा कटोरा जैसे रखा हुआ हो स्फेरिकल शेप में, इसको हम बोलते हैं अंड या अंडा भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, और फिर ये चारों तरफ से क्या होती हैं? वेदिकाएं होती हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ में क्या होती हैं? वेदिकाएं होती हैं। तो कौन कौन से पार्ट हुए? छतरी, हर्मिका, अंड और ये आपकी चारों तरफ वेदिकाएं होती हैं। छतरी क्या शो करती है? बुद्ध की विभिन्न मनोदशाओं को व्यक्त करती है। क्या कर रही है? भगवान बुद्ध के विभिन्न मनोदशाओं को व्यक्त करती है। जबकि हर्मिका स्तूप का सबसे मुख्य स्थान होता है, जिसके नीचे क्या किया जाता है, जो जिन महानुभाव चाहे भगवान बुद्ध हो चाहे भगवान बौद्ध भिक्षु हो कोई, उनके जो अस्थियां रखते हैं या कुछ स्थान विशेष वस्तुएं रखते हैं उसको हम इसी के नीचे रखते हैं। ठीक है, चारों ओर वेदिकाएं होती हैं और वेदिकाओं से प्रवेश के लिए तोरण बनाए जाते हैं, जो द्वार बनाए जाते हैं ना जहां से आप प्रवेश करेंगे, उन द्वारों को नाम दिया जाता है क्या? तोरण का। ठीक है, और अंड के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए ये हमारी क्या होती हैं? वेदिकाएं एक तरह से होती हैं जहां पर प्रदक्षिणा का कार्य किया जाता है। तो इस तरीके से इनका संरचना की जाती है। कौन कौन सी? छतरी, हर्मिका, अंड और तोरण, वेदिकाएं होती हैं। तो ये तो बात हुई इनकी कि किस तरीके से होता है निर्माण वगैरह। थोड़ा सा और अगर हम इसकी संरचना को और डिटेल में देखना चाहें तो वो भी हम देखते हैं पहले। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये हमारा क्या था? छत्र था। ये पोर्शन हमारा छत्र है और ये क्या है? हमारा डंडा है। और ये हमारा क्या है? हर्मिका है। यहां से यहां तक का जो पोर्शन है इसको कंबाइंड में हम क्या नाम देते हैं? यष्टिका। क्या नाम देते हैं? यष्टिका। और यष्टि क्या शो कर रहा है? यष्टि शो करता है भगवान बुद्ध के मस्तिष्क को, उनके सिर को। यष्टि क्या शो कर रहा है? भगवान बुद्ध के मस्तिष्क को शो कर रहा है। ठीक है, हर्मिका से लेकर यहां तक का जो आपका पोर्शन पूरा हो जाता है ये क्या हुआ? भगवान बुद्ध का मस्तिष्क हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं? यष्टि। इसमें कौन कौन से आ जा रहे हैं? हर्मिका, डंडा, छतरी आ जा रही है। अब देखिए,
ये क्या है, ये हमारा अंडा है, ठीक। और अंडे के नीचे में यहाँ पर ये जो पोर्शन है, मुख्य पोर्शन जो अंदर में रहता है, इसको मेधी नाम दिया जाता है। इसको क्या नाम दिया जाता है, मेधी। और इसी में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर रिलीसेस वगैरह रखे हुए हैं, जो अस्थियां वगैरह रखी होती हैं वो यहीं पर रखी होती है, यहाँ पर जाया नहीं जा सकता है, ठीक है, ये नहीं जाया जा सकता, ये हुआ मेधी। तो आप अगर यहाँ पे इस हर्मिका की बात, अंडा की बात करते हैं, तो ये अंडा क्या शो कर रहा है, ये अंडा भगवान बुद्ध के चेस्ट और एब्डोमन पोर्शन को शो करता है, भगवान बुद्ध के सीने को और पेट के पोर्शन को शो करता है। कौन करता है, अंडा। उसके बाद ये जो मेधी है, ये मेधी जो है, ये क्या शो कर रहा है, ये भगवान बुद्ध की मेडिटेशन की मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में जो उनके पैर हैं, उनको ये शो करता है, ठीक है। तो यस्ति क्या है, भगवान बुद्ध का मस्तिष्क है। अंडा क्या है, भगवान बुद्ध का चेस्ट और एब्डोमन है। मेधी क्या है, मेधी भगवान बुद्ध की ध्यान मग्न मुद्रा में, मेडिटेशन की मुद्रा में पैर हैं उनके, ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके बाद ये देखिए, ये आपने प्रदक्षिणा के लिए यहाँ पर ये पथ बना रखा है, जिसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। चारों तरफ में ये क्या हो गए हमारे, ये जो हमारे बने हैं, ये हमारे हैं वेदिका। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं बैटरी ऑन कर देता हूँ, नहीं तो चार्ज हो गया है शायद, ठीक है, चार्ज हो रहा है, एक मिनट स्विच ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या बातें हो गई, यहां पर हमने छत्र की बात की, हर्मिका की बात की, मेधी की बात की, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब छत्र में जैसे आप देखते हैं, तो छत्र में क्या है, तीन है छत्रियां, एक ये है, एक ये है और एक ये है। छत्री क्या शो कर रही है, बुद्धा अवेकेंड, बुद्धा को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरी छत्री बुद्ध के धम्म को, डॉक्ट्रिन को, उनके डॉक्ट्रिन जो है उनकी, उसको द्योतक, उसका द्योतक है ये। तीसरी क्या है, बुद्ध के संग को, उनके जो फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, उसके बारे में बता रही है। और ये तीन क्या हैं, थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के जो तीनों ज्वेल्स हैं उनको ये शो करती है, कौन, छत्री या छत्र जो भी कहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम जैसे बात करते हैं, तो यहाँ पर ये हम अभी बात कर रहे थे ना, ये चारों तरफ में, ये चारों हैं क्या, इनको कहते हैं वेदिका। और इन वेदिकाओं पर भी क्या होता है, आगे चलकर कुछ जैसे जातक कथाएं हैं बुद्ध से संबंधित, बुद्ध के पुनर्जन्म, बुद्ध के जन्म से पहले की है, बुद्ध जन्म से संबंधित जो भी उनसे संबंधित कथाएं हैं, उनकी चित्रकारी भी इस पर की गई है, इन वेदिकाओं पर। और साथ ही इन पे चार द्वार बनाए गए हैं, एक द्वार, दो द्वार, तीन द्वार, और इसके पीछे में जो आपको नहीं दिख रहा है वो चौथा द्वार है। ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ ऊपर में, ठीक है, पीछे में मतलब जो रहेगा वो नॉर्थ है। तो इस तरीके से इसमें चार द्वार बनाए गए हैं। अब इन चार द्वारों को क्या नाम देते हैं, तोरण का नाम देते हैं। अब इन चारों द्वारों का भी कुछ मतलब है, क्या है, ईस्ट जो द्वार है, जो ईस्ट तोरण है, वो बुद्ध के जन्म को शो करता है। क्या शो करता है, बुद्ध के जन्म को शो करता है। इसी तरह से वेस्ट जो है वो क्या करता है, बुद्ध के धर्मचक्र परिवर्तन को शो करता है, ठीक है, बुद्ध के धर्मचक्र परिवर्तन को शो करता है। साउथ क्या है, साउथ बुद्ध के निर्वाण को शो करता है। अब ऐसा क्यों शो करता है, उसको भी हमको जानना होगा। तो देखिए, बुद्ध जो थे अपने जीवन में चार स्थानों पर गए, एक लुम्बिनी, दूसरा बोधगया, तीसरा सारनाथ, चौथा कुशीनगर, ठीक है। अपने जीवन काल में बुद्ध इन्हीं चार स्थानों पर गए थे। और ईस्ट गेट इज इक्विवेलेंट टू बर्थ, बर्थ के इक्विवेलेंट है, और वो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। साउथ गेट क्या है,
निर्वाणा, क्योंकि उनको निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ, बोध गया में। धर्म चक्र परिवर्तन की बात करते हैं तो वो कहाँ था, सारनाथ में, ठीक है। उसके बाद महापरिनिर्वाण की बात करें तो वो कहाँ पर हुआ उन्हें, कुशीनगर में। तो अगर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ की बात जब आप करते हैं तो वो इसी आधार पर है, इधर लुम्बिनी पड़ा, इधर आपका कुशीनगर पड़ा, यहाँ पर आपका सारनाथ पड़ा और यहाँ पर आपका बोध गया पड़ा। तो बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो जो उनकी चारों प्रमुख घटनाएं थी उसी आधार पर इन तोरणों के बारे में बात की जाती है कि इनको इसका द्योतक माना जाता है। अब आप स्तूप की संरचना को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे, इससे ज्यादा इसमें शायद ना कुछ समझाने को है ना कुछ समझने को है। जैसे आप एक जनरल वे में अगर आप देखना चाहें तो इस तरह से स्तूप का एक फिगर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई किसकी बात, स्तूप की संरचना किस तरीके से होती है, ठीक है। अब हमको क्या जानना होगा स्तूपों के विषय में, अगर हम बात करें तो हमको ये जानना होगा कि स्तूप का विकास किस प्रकार से हुआ, स्तूप का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो देखिए स्तूपों का डेवलपमेंट न कहके अगर हम किसी पर्टिकुलर स्मारक का ही अगर हम डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी स्मारक की, किसी भी स्थापत्य कला के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसका डेवलपमेंट दो परिस्थितियों में हो सकता है, एक तो लोग स्वयं बनाए और दूसरा जो उस समय जिसका भी शासन चल रहा हो वो उसको अपना संरक्षण दे, वो उसका निर्माण करे। तो जाहिर सी बात है जब कोई किसी स्थापत्य को राजकीय संरक्षण मिल जाएगा तो उसका निर्माण अधिक और बेहतर होगा बजाय उसके कि जिसका लोग खुद स्वयं से बना रहे हैं। तो वहीं पर अगर हम ऐसे ही बात करते हैं किसकी, स्तूपों की, तो स्तूपों का विकास उस समय अधिक देखने को मिलता है जब इनको राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। जैसे जैसे इनको राजकीय संरक्षण प्राप्त होता गया वैसे वैसे इनका विकास भी अधिक होता गया, ठीक है। तो कैसे हुआ देखते हैं। यदि हम बात करें इसके पीक की तो पीक इसका आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में सबसे अधिक स्तूपों का निर्माण हुआ जो अच्छे डिजाइन में भी बनाए गए। उसका रीजन क्या था, बौद्ध धर्म का तो उदय हो ही चुका था, इस समय कई बाह्य आक्रमणकारी भी यहाँ पर आए और जो बाह्य आक्रमणकारी आए उसमें से बहुतों ने क्या किया, यहाँ की महायान शाखा को अपनाया, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया और उसको संरक्षण दिया। साथ ही जो व्यापारी वर्ग थे, उस आगे जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते रहे हैं तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि समय के साल में जो हमारा हिंदू धर्म था या ब्राह्मण धर्म था उसमें कुछ बुराइयां भी आ गई थी, तो उसी के फलस्वरूप में क्या हुआ था, उदय हुआ था किसका, बौद्ध धर्म का। तो उस समय जो व्यापारी इत्यादि हुआ करते थे, जो धनाढ्य वर्ग के लोग होते थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। तो इस कारण से बौद्ध धर्म का जो व्यापारी वर्ग था, जो विदेशी आक्रमणकारी वगैरह हुए, उन्होंने राजकीय संरक्षण दिया, धन की भी बहुत प्राप्ति हुई और इस कारण से मौर्योत्तर काल में आगे चलकर स्तूपों का बहुत सारा विकास हुआ, ठीक है। और 483 BC के बुद्ध की मृत्यु के बाद स्तूपों का निर्माण प्रारंभ हुआ। जब उससे पहले भी होते थे, आप जानते हैं कि जैसे साधु वगैरह जब करते हैं साधना करते हैं तो कई बार जब उनकी अपना देह त्याग कर देते हैं तो उनके ऊपर में हीप जम जाती थी, लेकिन अगर जनरल वे में कहा जाए स्तूपों का निर्माण बड़े लेवल पे तो बुद्ध के देह त्याग के बाद से ही माना जाता है, 483 में जब उनका देह त्याग हुआ उसके बाद से ही माना जाता है। तो उनके शरीर को क्या किया गया, 8 भागों में बांट दिया गया बुद्ध की मृत्यु के बाद और 8 स्तूप बनाए गए। कितने स्तूप बनाए गए बुद्ध के शरीर से, 8। प्रेजेंट में कितने हैं, सिर्फ एक पता चलता है, बाकी 7 क्या हुए नहीं पता चलता। और जो प्रेजेंट में पता चलता है वो कहां पर आपको मिलता है, पिपरहवा में, इसलिए इसका नाम आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पिपरहवा में ये स्तूप मिलता है और आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा। मौर्य काल में अगर हम बात करते हैं मौर्य काल में, तो मौर्य काल में अशोक के विषय में आपको पता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, हालांकि अपने जीवन काल में अलग अलग समय पर अलग अलग धर्मों को संरक्षण दिया, लेकिन ओवरऑल में अगर हम कहें तो सबसे अधिक बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया अशोक ने।
और इस कारण से माना जाता है कि उसने 84,000 से अधिक स्तूपों का निर्माण कराया, लेकिन कुछ उसमें प्रमुख भी हैं, जैसे ये पिपरहवा के स्तूप की हमने बात की ना, ये ऐसा ही है जो वास्तविकता में बुद्ध के अवशेष से बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें एमपी में मध्य प्रदेश में 3 स्तूप सांची में देखने को मिलते हैं, और ये 3 स्तूप काफी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। और इन 3 स्तूपों में सांची में जो बनाए गए हैं वो किस प्रकार के हैं? शारीरिक प्रकार के हैं। अब शारीरिक प्रकार के जो स्तूप बनाए गए हैं उसमें क्या है? उसमें बौद्ध भिक्षु जो हुए, बुद्ध के अवशेष जो हुए, वो उनके शरीर के अवशेषों को यहाँ पर रखकर उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो एक इस तरह से उसने बनवाया। और माना जाता है कि अशोक ने बुद्ध के एक स्तूप को तोड़कर एक महा स्तूप को बनवाया। ठीक है, अशोक ने क्या किया? बुद्ध के एक स्तूप को तोड़वाया और उसकी जगह पर एक महा स्तूप का भी निर्माण किया। दूसरा जो स्तूप उसने बनाया, बुद्ध के एक शिष्य हुआ करते थे महाबोध गलायन। कौन होते थे? महाबोध गलायन। उनके अगर कहें उनके अवशेषों के आधार पर ये निर्माण किया गया। और तीसरा स्तूप जो बनाया गया, जो बौद्ध धर्म के महान प्रचारक थे उनके अवशेषों से बनाया गया। तो सांची में हमको कितने स्तूप देखने को मिलते हैं? 3, और तीनों क्या है? शारीरिक प्रकार के हैं। मौर्यकाल के स्तूपों की एक विशेषता भी है, यहाँ पर जो वेदिकाएं बनाई गई हैं, क्या बनाई गई हैं? वेदिकाएं बनाई गई हैं, वो लकड़ी की बनाई गई हैं, वुड की बनाई गई हैं। ठीक है, यहाँ की जो वेदिकाएं हैं वो ईंटों की नहीं बल्कि लकड़ी की बनाई गई हैं। ठीक है, और उसके बाद मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में भी विकास हुआ। मौर्योत्तर काल में ये जो सांची के स्तूप जो थे उसको क्या किया गया? जहाँ जहाँ ईंटों का यूज हुआ था वहाँ पे पत्थरों का यूज कर दिया गया, सुंदर तोरण द्वार बना दिए गए, और वेदिकाएं जो लकड़ी की थी वहाँ पर क्या किए गए? वहाँ पर भी उस पर जातक कथाएं वगैरह बनाई गई, तो उसका एक तरह से सुंदरीकरण कर दिया गया। साथ ही एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला, सतना में एक स्तूप बनाया गया, भरहूत स्तूप, जो सफेद संगमरमर का बना है, और संगमरमर का बना यह पहला स्तूप है। तो इसकी खासियत क्या हुई कि भरहूत जो सतना में स्तूप है वो क्या है? संगमरमर का बना हुआ पहला स्तूप है। उसके अलावा अमरावती में भी एक स्तूप का निर्माण हुआ, जिसमें तोरण द्वार के स्थान पर 5 आयताकार स्तंभ बनाए गए हैं जो चारों तरफ हैं, और इसका निर्माण किसने किया है? सातवाहन शासकों ने। मतलब सातवाहन शासकों ने भी बौद्ध धर्म को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया है। ठीक है, और इनमें क्या है? अंडों पर भी डिजाइन बनाई गई है। लेकिन मौर्योत्तर काल के बाद जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, गुप्त काल वगैरह आता है, तो बौद्ध धर्म का धीरे धीरे क्या हुआ? प्रभाव कम होने लगा। और इस कारण से फलस्वरूप क्या हुआ कि स्तूपों के निर्माण में कमी आने लगी। तो इस तरीके से ये अमरावती का स्तूप है जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का एक महान नमूना है, और आंध्र प्रदेश में ये सिचुएटेड है, 65 किलोमीटर फ्रॉम विजयवाड़ा, और यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह तो आते हैं, ये सब तो अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये कहानी किसकी होती है? सारी की सारी स्तूपों की। और जो जो 3 मेन स्तूप कौन कौन से थे? एक सांची, और दूसरा कौन सा है हमारा? भरहूत। तीसरा हमारा कौन सा हुआ? अमरावती। इसके अलावा जैसे मौर्योत्तर काल जब बीत जाता है, गुप्त काल में भी आते हैं, तो स्तूप का निर्माण तो वहां पर भी, सारनाथ में भी अगर आप जाते हैं वाराणसी में, तो वहां भी आपको मिलेगा, लेकिन वो उतना मतलब बेहतरीन नहीं है जैसा कि पहले बनाए जाते थे स्तूप। तो कुल मिलाकर ये हमारे स्तूपों की कहानी हो जाती है। ठीक है, अब हमको बात क्या करनी है इससे बाद? हमको दूसरे जो थे कौन कौन से? चैत्य और विहार, उसके विषय में हम बातें करेंगे। अब किसके बारे में? चैत्य और विहार के बारे में, जिसपे हम नेक्स्ट में चर्चा करते हैं। ठीक है, थैंक यू।